कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई पानी फ्री दे रहा है, कोई घर बनवा रहा है, कोई टॉयलेट बनवा रहा है, कोई मोबाइल बांट रहा है, पर भैया कोई तो दारू ही पिला दे रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ भैया सही समझे, इलेक्शन आ रहा है। अरे कहाँ चले? रुको रुको, मिडिल क्लास हो ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम इस देश के बंधुआ मजदूर। ये जो फ्री में बांटा जा रहा है इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? समझ रहे हो? हाँ हाँ, आप ही के टैक्स के पैसे। पर क्या आपसे कभी किसी ने पूछा कि आपके टैक्स के पैसे ऐसे फ्री में ही बांट दे? अच्छा चलिए ठीक है, आपकी बात मान लिया कि देश में कुछ लोगों की आर्थिक हालत बहुत ही खराब है और उन्हें सब्सिडी की बहुत जरूरत है, पर ये सारे जरूरी काम इलेक्शन से पहले ही क्यों याद आते हैं? बात सही है, पर जिन्हें सच में जरूरत है क्या उन तक ये बंदर बांट पहुँच रही है? नहीं। अब कुछ पहुँचे या ना पहुँचे, पर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जरूर पहुँच गई कि देश में फ्री की रेवड़ियां बांट के देश को बर्बाद किया जाए। अच्छा, इस सवाल पे सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जवाब में भी एक सवाल ही आया। इलेक्शन से पहले ये जो पॉलिटिकल पार्टियां जनता से वादे करती हैं, ये उनका मौलिक अधिकार है। कृपया आरबीआई और केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई नई नीति बनाए। अबे साले, केंद्र सरकार सारा खर्चा पानी लेके राज्य सरकारों के ऊपर चढ़ गई और ये फ्री की रेवड़ियां बांटे जाने को गलत बताने लगे, तो राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार को आईना दिखाने में देर नहीं लगाई और मुफ्त के सिलेंडर, सुलभ शौचालय और किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए डालने तक की सारी बातें याद दिलाई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वही मफलर सरकार जो रेवड़ियां बांटने की ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई थी, उसका इलेक्शन के पहले ये कहना था कि सरकार के पास बहुत पैसा है, फ्री में बिजली दी जा सके। आज 200 यूनिट तक बिजली आज से दिल्ली में फ्री हो जाएगी। वही इलेक्शन के बाद बिजली पे 16,000 करोड़ की सब्सिडी देने के बाद वही सरकार कह रही है कि उनके पास कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं बचे हैं। मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए सैलरी देने के लिए मांगा। मैंने केंद्र सरकार से तुरंत दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। अब सवाल ये होता है, अगर कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं है तो सब्सिडी देना कितना जायज? शर्म करो, भगवान से डरो। वैसे फ्रीबी की कहानी नई नहीं है, इसका इतिहास 70 साल पुराना है। 1967 में डीएमके ने 1 रुपए में 4.5 किलो चावल दिया था, तो देखा देखी 1980 में आंध्र प्रदेश में 2 रुपए किलो चावल दिया गया। इसके बाद 1990 में AIDMK की नेता जयललिता ने तो हद ही कर दी, साड़ी, कुकर, टीवी, वॉशिंग मशीन सब देने का वादा कर दिया। ये बढ़िया था। और पहली बार फ्री भी बिजली यानी फ्री में बिजली अकाली दल ने 1990 में पंजाब में दी थी। और इस फ्री बंदर बांट की अपार सफलता के बाद आप पार्टी ने 2015 में 300 यूनिट बिजली फ्री और महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपए फ्री में डालने का वादा करती। आप चाहे तो पॉज करके इस पूरी लिस्ट को पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी पीछे नहीं है, मौका मिलने पे सबने अपना अपना योगदान दिया। अब भला देश को दुबाने की बात, ये राजनीतिक पार्टियां पीछे कैसे रह सकती? जनता माफ नहीं करेगी। आरबीआई की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि मार्च 2021 तक देश की सभी राज्य सरकारों के ऊपर मिला के 69.47 लाख करोड़ रुपीस का कर्ज है। सबसे अधिक 6.59 लाख करोड़ रुपीस का कर्ज तमिलनाडु सरकार के ऊपर, और अनुमान के मुताबिक 2026-27 तक पंजाब सरकार के ऊपर जीडीपी का 45% कर्ज हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरला का जीडीपी के ऊपर कर्ज 35% तक हो जाएगा। सब्सिडी पे सबसे ज्यादा खर्चा जो बढ़ा है वो झारखंड, केरला, उड़ीसा, तेलंगाना और यूपी में बढ़ा है। वहीं गुजरात, पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने अपना कुल खर्च का 10% सिर्फ सब्सिडी के ऊपर ही खर्चा किया। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए 11 अगस्त 2022 को कहा कि गरीबों का पेट भरना जरूरी है, लेकिन लोगों की भलाई के काम को संतुलित रखना भी उतना ही जरूरी, क्योंकि फ्रीबी की वजह से इकोनॉमी पैसे गंवा रही है। हम सब इस बात से सहमत है कि फ्रीबी और वेलफेयर के बीच में अंतर है, पर नेताओं को अपनी कुर्सी बचाने और सत्ता में आने की ज्यादा चिंता है। देश की चिंता जैसे छोटे मोटे काम इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और देश की जनता पे ही छोड़ दिए। ओ भाई, मारो मुझे मारो। ये जो 500-500 रुपए देके वोट दे रहे हो ना, वो दिन दूर नहीं जब अपनी कमाई का 50% पैसा टैक्स भर के यही कर चुकाना पड़े। मैं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।